मैं विनीता गुप्ता, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर से, सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड पार्लर मैनेजमेंट में, आज आपको व्यावसायिक संगठन की विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। व्यावसायिक संगठन की विशेषताओं के बारे में बात करने से पहले हम संगठन के अर्थ का, संगठन क्या होता है या संगठन किसे कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। संगठन शब्द की उत्पत्ति आंग्ल भाषा के शब्द ऑर्गेनिज्म से हुई है, जिसका अर्थ है एक ऐसी संरचना जो विभिन्न भागों में विभाजित हो तथा जिसको एक सूत्र अथवा ताने बाने में जोड़ना आवश्यक हो। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे ईश्वर ने मानव शरीर की सबसे अधिक जटिल, अद्भुत एवं प्रभावशाली संरचना की है। मानव शरीर में अनेक छोटे बड़े भाग होते हैं और प्रत्येक भाग का एक नियत कार्य होता है, जैसे आँखों का देखना, कानों कान का सुनना, नाक का सूंघना, मुख का खाना। परंतु इन सब भागों के अतिरिक्त मानव शरीर के मस्तिष्क में एक केंद्रीय विभाग भी होता है, जो अन्य सभी भागों की क्रियाओं का संचालन एवं निर्देशन करता है। ठीक उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार व्यवसायिक जगत में भी विभिन्न विभागों की क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करने की कला को संगठन कहते हैं। मानव शरीर की तरह ही किसी उद्योग या उपक्रम में भी अनेक विभाग होते हैं, जैसे क्रय विभाग, विक्रय विभाग, वित्त विभाग, उत्पादन विभाग आदि। इन सब क्रियाओं का एक दूसरे से संबंध होता है तथा इन सब विभागों की क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना ही संगठन का कार्य होता है। व्यावसायिक जगत में विभिन्न विभागों की क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करने की कला को ही संगठन कहते हैं। दूसरे अर्थ में संगठन का आशय एक समान उद्देश्य के लिए कार्य करने वाले मनुष्यों के समूह से है। इस समूह का एक नेता होता है, जो विभिन्न व्यक्तियों की क्रियाओं का संचालन व निर्देशन करके समन्वय स्थापित करता है। संगठन किसी भी उद्योग के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। किसी भी उद्योग की सफलता और विफलता संगठन के प्रकार पर निर्भर करती है। संगठन की परिभाषा। सामान्य शब्दों में व्यावसायिक संगठन से तात्पर्य किसी भी ऐसे औद्योगिक या सेवा संगठन से है, जो वस्तुओं अथवा सेवाओं का उत्पादन और वितरण करते हैं अथवा इन कार्यों में सहयोग प्रदान करते हैं। कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों के हिसाब से परिभाषाएं इस प्रकार हैं। पहला है, किसी कार्य को पूरा करने के लिए किन किन क्रियाओं को किया जाए इसका निर्धारण करना एवं क्रियाओं को व्यक्तियों के बीच वितरित करना ही संगठन है। प्रोफेसर ओविंस के अनुसार, व्यावसायिक संगठन वह उपक्रम है जो किसी बाजार में माल के विक्रय हेतु उत्पादन या वितरण में संलग्न है। प्रोफेसर एडवर्ड तथा टाउनसेंड के अनुसार, व्यावसायिक संगठन व्यावसायिक संसाधनों, कारखानों, भंडारण, यंत्र सामग्री और कर्मचारियों आदि के संयोजन को व्यक्त करता है। कीथ एंड मुबेलिनी के शब्दों में, व्यावसायिक उपक्रम व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का संगठन है, जो निजी लाभ के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण करते हैं। व्हीलर के शब्दों में, व्यावसायिक संगठन एक संस्था या उपक्रम है जो क्रय विक्रय करता है, जिस पर किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का स्वामित्व होता है तथा जिसका कुछ निर्धारित नीतियों के अंतर्गत प्रबंध किया जाता है। अब हम बात करेंगे व्यावसायिक संगठन की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहली विशेषता इसकी है मानवीय संस्था। इसकी प्रथम विशेषता यह है कि यह मनुष्यों द्वारा स्थापित एवं संचालित एक संस्था है। व्यवसाय के किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बनाया गया एक मानवीय संगठन है, या हम यों भी कह सकते हैं कि ये व्यक्तियों के समूह द्वारा स्थापित किया जाता है, अर्थात व्यवसाय मनुष्यों का एक समुदाय है। सेकंड है आर्थिक संस्था। व्यावसायिक संगठन एक आर्थिक संगठन भी है, क्योंकि व्यवसाय धन कमाने के लिए किया गया एक कार्य है। इसमें वे सभी क्रियाएं सम्मिलित होती है जो धन कमाने के लिए की जाती है,
और जिनका प्रमुख उद्देश्य समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। नेक्स्ट है सामाजिक संस्था। व्यवसाय समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है और समाज की आधारशिला भी है। व्यवसाय के बिना समाज जीवित नहीं रह सकता है। यह संगठन समाज में समाज के साधनों से समाज के हित के लिए और समाज के लोगों द्वारा संचालित किया जाता है, अर्थात व्यवसाय का संबंध सामाजिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए की जाने वाली सामूहिक क्रियाओं से है, क्योंकि यह समूह व्यवहार को प्रकट करता है, अतः सामाजिक संस्था भी है। बहुवर्गीय संस्था। व्यवसायिक संगठन अनेक व्यक्तियों का संयुक्त साहस है। इसमें अनेक वर्ग संलग्न हैं या अनेक वर्गों को प्रभावित होता है। इसमें साहसी प्रबंधक, श्रमिक, कर्मचारी, ग्राहक, वैज्ञानिक, सरकार और समाज के लोग प्रमुख हैं। इनमें से प्रत्येक वर्ग व्यवसाय के संचालन में अपना योगदान देता है। ये सभी वर्ग मिलकर व्यावसायिक उपक्रम के स्वरूप को प्रभावित करते हैं और संगठन भी इन सभी के हितों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है, क्योंकि व्यवसाय से इन सभी व्यक्तियों के हित जुड़े होते हैं। विस्तृत कार्य क्षेत्र। व्यावसायिक संगठनों का कार्य क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होता है। इसमें वाणिज्य, वित्त, बीमा, परिवहन, विपणन, विज्ञापन, आयात निर्यात तथा सेवा सभी प्रकार के संगठन सम्मिलित हैं। इनके कार्य की प्रकृति जटिल होती है। दूसरे शब्दों में इन संगठनों में उन संगठनों को सम्मिलित किया जाता है जो वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण या इसमें सहायक किसी भी क्रिया को करने में संलग्न हैं। आधुनिक युग में तो ये सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर प्रणाली, डेटा प्रोसेसिंग आदि नए नए विकास उद्योगों के रूप में स्थापित किए जा रहे हैं। विविध प्रारूप। इसके अनेक प्रारूप हैं, जैसे एकाकी, साझेदारी, संगठन, निजी सीमित संगठन, निगम, बोर्ड, सहकारी संगठन आदि। सामूहिक प्रयास। व्यावसायिक संगठन विभिन्न व्यक्तियों का समूह है। इन व्यक्तियों के सामूहिक प्रयासों द्वारा ही उत्पादन एवं वितरण कार्य संभव होता है, अर्थात इसमें अकेले के प्रयत्नों का कोई स्थान नहीं होता है। नेक्स्ट है गतिशील प्रवृत्ति। आधुनिक व्यावसायिक संगठन जिस वातावरण में कार्य करते हैं वे अत्यंत परिवर्तनशील है। इन संगठनों को देश की आर्थिक, वैधानिक, सामाजिक व राजनीतिक परिस्थितियों के मध्य कार्य करना पड़ता है। आंतरिक वातावरण साधनों, श्रमिकों, कर्मचारियों, उनकी कार्यविधियों, प्रबंधकों की नीतियों आदि से बनता है और बाहरी वातावरण ग्राहकों, प्रतिस्पर्धा संस्थाओं और तकनीकी संस्थाओं आदि से बनता है। सभी संगठन आंतरिक व बाहरी वातावरण से प्रभावित होते हैं, अतः इस बदलते हुए वातावरण को ध्यान में रखकर व्यावसायिक संगठनों को अपनी क्रियाओं का निर्धारण करना पड़ता है और सामाजिक परिवर्तनों के अनुसार उद्यमी को अपनी योजनाओं, कार्यक्रमों एवं विधियों को बदलते रहना पड़ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन संगठनों की प्रकृति गतिशील होती है। संसाधनों का समन्वय। यह वह संस्था है जिसमें संसाधनों का समन्वय करके वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण किया जाता है। इसमें अनेक भौतिक संसाधनों जैसे भूमि, यंत्र, उपकरण, कार्यविधियां, तकनीक आदि तथा मानवीय संसाधनों जैसे श्रम, योग्यता, कौशल, साहस आदि का संयोजन होता है। इसके अतिरिक्त कई वित्तीय, तकनीकी एवं प्रबंधकीय संसाधनों का समन्वय किया जाता है जिससे समाज के लिए उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जा सके। नव प्रवर्तन। वर्तमान समय में तीव्र प्रतिस्पर्धा के युग में नए उत्पादों, नई किस्मों, नई डिजाइनों, नए यंत्रों, नई उत्पादन विधियों, नई तकनीकों एवं नए बाजारों की खोज करना प्रत्येक व्यावसायिक उपक्रम का कार्य बन गया है। ग्राहक केंद्रित व्यवसाय। उपक्रम की संपूर्ण कार्य पद्धति ग्राहक केंद्रित होती है, क्योंकि ग्राहक व्यवसाय की आधारशिला है और वही इसे जीवित रखता है।
इसलिए ग्राहक पर ध्यान दिए बिना कोई भी व्यावसायिक उपक्रम कार्य नहीं कर सकता है। समाज का अगुवा। व्यवसाय उपक्रम समाज को रोजगार, पूंजी, जीवन यापन के अवसर, उच्च जीवन स्तर, नए सामाजिक मूल्य, नए विश्वास, नई आशाएं प्रदान करके एक आदर्श समाज की रचना करता है और व्यक्तियों में नया उत्साह भर के उन्हें नई दिशा प्रदान करता है। नेक्स्ट है सरकार व कानून द्वारा नियंत्रित। व्यावसायिक उपक्रमों की एक विशेषता यह भी है कि इनका सरकार एवं कानून द्वारा नियंत्रण किया जाता है। एक व्यावसायिक उपक्रम की स्थापना से लेकर समाप्ति तक अनेक कानूनी गतिविधियों को पार करना पड़ता है। हमारे देश की सरकार ने भी व्यावसायिक संगठन हेतु अनेक कानून एवं नियम बनाए हैं एवं नीतियां निर्धारित की हैं। इनके माध्यम से सरकार उत्पादन की मात्रा, किस्म, उत्पादन विधियां, आयात निर्यात, उपभोक्ता संरक्षण आदि का नियमन एवं नियंत्रण करती है। उपयोगिता का सृजन। इनका जन्म ही उपयोगिता का सृजन करने के लिए होता है। यह कच्चे माल, अर्धनिर्मित माल तथा खनिज पदार्थ, पेड़ पौधों, रासायनिक पदार्थ आदि से समाज के लिए उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करते हैं। व्यावसायिक बहुउद्देशीय संस्था। व्यावसायिक संगठन के अनेक उद्देश्य हैं जिनमें आर्थिक, सामाजिक, मानवीय व राष्ट्रीय उद्देश्य सम्मिलित हैं, या हम यों भी कह सकते हैं कि यह एक उद्देश्यपूर्ण संस्था है जो लाभ कमाने के साथ साथ समाज के प्रति अपने विभिन्न दायित्वों की पूर्ति भी करते हैं और विभिन्न उद्देश्यों में एक संतुलन स्थापित करते हैं। बहुवर्गीय संस्था होने के कारण इनके उद्देश्य भी अनेक होते हैं। नेक्स्ट है सेवा संगठनों का तीव्र विकास। औद्योगिक संगठनों के साथ साथ सेवा संगठनों जैसे परिवहन, संचार, बैंक व अन्य वित्तीय सेवा संगठन, बीमा, मनोरंजन, भ्रमण, जलपान गृह, होटल आदि संगठनों का तीव्र विकास हो रहा है। सेवा संगठनों के विकास एवं बढ़ते हुए महत्व के कई कारण हैं। इनमें सबसे पहला सुख सुविधाओं की इच्छा है। मानवीय इच्छाओं ने कई प्रकार की सेवाओं के विकास को प्रोत्साहित किया है, जैसे भ्रमण, होटल, परिवहन, मनोरंजन आदि। दूसरा, व्यक्ति में अपने सौंदर्य व स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के कारण कई सेवा उपक्रमों का विकास हुआ है, जैसे सलून, ब्यूटी पार्लर, जिम आदि। सेवा संगठनों के कारण क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी सुधार हुआ है और विभिन्न स्वास्थ्य व चिकित्सा सेवाओं के कारण आयु बढ़ गई है और मृत्यु दर में कमी आई है, जैसे नर्सिंग होम, स्वास्थ्य क्लिनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर आदि। इसी प्रकार महिलाओं की नौकरी के प्रति बढ़ते रुझान के कारण कई सेवा संगठनों जैसे बेबी केयर, शिशु गृह और विभिन्न घरेलू सेवाओं का विकास हुआ है। इसी प्रकार मनुष्य अनेक समस्याओं से ग्रस्त है, इसलिए कई सेवा संगठनों जैसे आयकर परामर्श, न्यायिक मामलों में परामर्श, वैवाहिक परामर्श, मनोवैज्ञानिक क्लिनिक, वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम, नारीशालाएँ आदि सेवाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट है विश्वव्यापी व्यवसाय। वर्तमान युग में व्यावसायिक संगठनों का व्यवसाय विश्वव्यापी हो गया है और इन्हें विश्वव्यापी बनाने में सभी देशों की सरकारें योगदान कर रही हैं। इसलिए ऐसे संगठनों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है जो दूसरे देशों के संगठनों में आर्थिक और तकनीकी भागीदारी निभाते हैं। पूंजी की प्रधानता। वर्तमान व्यावसायिक संगठन पूंजी प्रधान होते जा रहे हैं। उद्योगों में मानव श्रम का स्थान यांत्रिक श्रमिक, रोबोट और कंप्यूटर लेते जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप इनमें श्रम की प्रधानता के स्थान पर पूंजी की प्रधानता बढ़ रही है। साहसी तथा प्रबंधकों की पृथक भूमिका। साहसी व्यापारिक संगठन को स्थापित करने की जोखिम उठाते हैं और फिर इन संगठनों को पेशेवर प्रबंधकों के हाथों में सौंप देते हैं या बेच देते हैं और दूसरे नए संगठन की स्थापना की तैयारी करने लगते हैं। इसका उदाहरण है हाईवेज पर जो टोल बनते हैं, जैसे BOT, बिल्ट, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, इसी पद्धति पर कार्य करते हैं।
नेक्स्ट है संयोजन की बढ़ती प्रवृत्ति। आधुनिक व्यावसायिक संगठन में संयोजन की प्रवृत्ति बढ़ रही है। कई छोटे छोटे संगठन मिलकर बड़े संगठन का निर्माण कर रहे हैं या बड़े संगठन में मिल रहे हैं। ऐसा बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा एवं तकनीकी कारणों से हो रहा है, जैसे राजस्थान बैंक का ICICI बैंक में विलय होना और SBI बैंक का SBI में विलय होना। विपणन एवं नवाचार कार्य। व्यावसायिक संगठन के कार्यों में उत्पादन, क्रय विक्रय, संग्रह, तकनीकी को ही सम्मिलित किया जाता है, किंतु आधुनिक व्यवसाय संगठन में दो नवीन कार्य विपणन और नवाचार भी माने जाने लगे हैं। नवाचार में मार्केटिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क आते हैं। अधिकतम लाभ के स्थान पर अधिकतम अवसरों का ध्यान। आधुनिक व्यावसायिक संगठन अधिकतम लाभ के स्थान पर अधिकतम अवसरों की खोज में विश्वास करते हैं, क्योंकि ऐसे सुअवसर की खोज करके ही संस्था के कुल लाभ को प्राप्त किया जा सकता है। साहस द्वारा प्रबंधित व्यवसाय। उपक्रम का निर्माण केवल साहसिक प्रयत्न का ही परिणाम होता है। साहस के द्वारा ही इसका प्रबंध, संचालन एवं निर्देशन किया जाता है। साहस इसके अस्तित्व की आधारशिला है। व्यावसायिक संगठनों का निर्माण केवल साहसिक प्रयत्नों का परिणाम होता है। साहस उपक्रम का अनिवार्य अंग है। संगठन वातावरण की एक उप प्रणाली। संगठन एक संपूर्ण प्रणाली के रूप में कार्य करता है, परंतु दूसरी ओर आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत एक उप प्रणाली के रूप में भी कार्य करता है। जैसे श्वसन तंत्र शरीर की उप प्रणाली है, जबकि शरीर अपने आप में एक संपूर्ण प्रणाली है और शरीर अपनी आंतरिक उप प्रणाली के सहयोग से कार्य करता है, किंतु बाहरी वातावरण से अवश्य प्रभावित होता है। ठीक उसी प्रकार व्यावसायिक संगठन भी अर्थव्यवस्था की उप प्रणाली है, परंतु अपने आप में एक संपूर्ण प्रणाली है और यह भी अपनी आंतरिक उप प्रणालियों जैसे उत्पादन, क्रय विक्रय, लेखा विभाग आदि के सहयोग से कार्य करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक उपक्रम विभिन्न उपतंत्रों से बना एक तंत्र है और इसकी संपूर्ण कार्य पद्धति संतुलित, समन्वित एवं एकीकृत होती है। नेक्स्ट है प्रबंधकीय लक्षण। यह कम लागत पर अधिकतम लाभ प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है और सदैव प्रबंधकों के निर्देशन में कार्य करता है। थैंक यू।